अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह जी राज्यसभा में हमारा पार्टी का नेता श्री अरुण जेटली जी पार्टी का राष्ट्रीय महामंत्री श्री अनंत कुमार जी रामलाल जी दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष श्री विजय गोयल जी दिल्ली विधानसभा में विपक्ष का नेता पार्टी का वरिष्ठ नेता श्री विजय कुमार मल्होत्रा जी मंच पर बैठे हुए अन्य पदाधिकारीगण काफी संख्या में आए हुए दिल्ली का कार्यकर्ता बहन और भाइयों अभी कोई नारा देने की जरूरत नहीं है। जब हम हमारा जुलूस निकलेगा तब हम नारा दे सकते हैं। मित्रों हम लोग यहां कांग्रेस को सरकार को कोई समाधान देने के लिए समझाइश देने के लिए आया नहीं। हमारा डिमांड है केंद्रीय गृह मंत्री श्री सुशील कुमार शिंदे बेशरत अपना वक्तव्य को वापस करे वापस माफी मांगे। ऐसा नहीं करे तो प्रधानमंत्री उनको बर्खास्त करना चाहिए। यह हमारा मांग है। इसी मांग को लेकर हम सब लोग प्रधानमंत्री घर के ओर चलने के लिए यहां आया है। दिस इज आवर डिमांड नॉट आवर रिक्वेस्ट। वी वॉन्ट दिस होम मिनिस्टर टू ऑफर एन अनकंडीशनल अपॉलॉजी विदड्रॉ द स्टेटमेंट पेरिंग विद द प्राइम मिनिस्टर टू डिसमिस हिम forthwith. That is our demand. We have come here with that demand and we will march towards the Prime Minister's house. Friends, मैं एक नया दृष्टिकोण आपके सामने रखना चाहता हूं। एक केंद्रीय गृह मंत्री कोई अचानक ऐसा वक्तव्य दिया नहीं। वहां उस समय प्रधानमंत्री जी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी का नया युवा नेता वो सब लोग वहां मौजूद था। उनका समक्ष सबका समक्ष में गृह मंत्री ने जानबूझकर एक साजिश के अंदर उन्होंने ऐसा बयान दिया है। ये सब लोग समझना चाहिए, देशवासी समझना चाहिए। इट इज नॉट ए कैजुअल कमेंट मेड बाय द होम मिनिस्टर। इट इज पार्ट ऑफ ए वाइडर कॉन्स्पिरेसी विद द नॉलेज ऑफ द कांग्रेस पार्टी लीडरशिप दैट दिस होम मिनिस्टर हैज मेड सच एन इडियोटिक स्टेटमेंट। दिस इज व्हाट आई वांट टू इंप्रेस अपॉन द पीपल ऑफ द कंट्री। इट इज ए मीनिंगलेस वर्थलेस यूजलेस an idiotic statement made by Home Minister of the country. That's why we are here to protest against the statement of the Home Minister. Mitro, kyun kiya? Desh mein, samaj mein, har ek var Congress se naraaz hai. Kisan naraaz hai, mazdoor naraaz hai, desh ka yuvata naraaz hai, mahila naraaz hai, vyapari varg naraaz hai, mazdoor varg naraaz hai. Sab log chahte hain जितना जल्दी मौका मिले तो उतना जल्दी सरकार को छुट्टी करना चाहते पूरा देशवासी। इसलिए इस सरकार में बैठे हुए लोगों ने सोचा होगा ऐसा भयंकर भ्रष्टाचार भयंकर आतंकवाद और किसानों का आत्महत्या बेरोजगारियों का संख्या बढ़ना महिलाओं के ऊपर बढ़ रहे अत्याचार इन सभी विषयों से ओर से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए बांटने के लिए इन्होंने जानबूझकर ऐसा वक्तव्य दिया है। इसलिए इसके बारे में हम आपत्ति व्यक्त करने के लिए हम यहाँ आया है। मैं तीसरा विषय बताना चाहता हूँ संक्षिप्त में। इस देश में आतंकवादी को प्रोत्साहन करने वाले कौन है? आजादी से लेकर अभी तक इस देश में ज्यादा समय कांग्रेस का राज रहा। दिल्ली से लेकर गली तक पार्लियामेंट से लेकर पंचायत तक मुख्यमंत्री से लेकर म्युनिसिपैलिटी तक पूरा अधिकार उन्हीं के हाथ में था और नेहरू परिवार का हाथ में था। इस देश में फिर आतंकवाद क्यों बढ़ गया? सिमी का प्रोत्साहन देने वाले कौन है? मजलिस पार्टी का प्रोत्साहन देने वाले कौन है? मुस्लिम लीग के साथ समझौता करने वाले कौन है? इस देश में उल्फा को समर्थन करने वाले कौन है? इस देश में सरफा को क्रिएट करने वाले कौन है? इस देश में नक्सलवादियों को प्रोत्साहन देने वाले कौन है? उनका पक्ष में इस देश में बोलने वाले कौन है? ये सब लोग कांग्रेस पार्टी सभी तथ्यों को प्रोत्साहन दिया है। इट इज बिकॉज ऑफ द कांग्रेस पार्टी रॉन्ग पॉलिसीज वोट बैंक पॉलिटिक्स टेररिज्म हैज इंक्रीज दिस कंट्री। दिस इज द कांग्रेस पार्टी व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टेररिज्म इन द कंट्री व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ सिमी फॉर द ग्रोथ ऑफ उल्फा फॉर द ग्रोथ ऑफ सल्फा फॉर द ग्रोथ ऑफ नक्सलाइट। इट इज द कांग्रेस पार्टी व्हिच इज सोली एंड होली रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस पर्सिफरेंट टेंडेंसीज एंड ऑल्सो टेररिस्ट एक्टिविटीज। दैट्स व्हाई फ्रेंड्स वी मस्ट मेक
this Congress party as the main accused of the people. As and when we get an opportunity, we should expose the Congress party's vote bank politics. अपना वोट बैंक पॉलिटिक्स चलाने के लिए इन्होंने तात्कालिक राज्य के प्रयोजन के लिए इन्होंने हमेशा ऐसा तथ्यों को प्रोत्साहन किया, इसलिए देश में आतंकवाद बढ़ गया। उल्फा हो, सल्फा हो, जेके एलएफ हो, नहीं तो इस देश में आतंकवाद को प्रोत्साहन देने वाले अन्य संगठनों, ये सभी संगठन कांग्रेस का जमाना में, कांग्रेस का राज्य में, कांग्रेस का प्रोत्साहन से एक सभी संगठन आगे बढ़ा है। इसलिए कांग्रेस को भी छुट्टी करना है और इन संगठनों को भी छुट्टी करना है। इसके लिए एकमात्र विकल्प यह है और देशवासी भी वो चाहते हैं, जल्द से जल्दी बीजेपी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का सरकार वापस आए, यही पूरा देशवासियों का इच्छा है। इस देश में मुख्य विपक्ष भारतीय जनता पार्टी, जो लोकसभा में, राज्यसभा में मुख्य विपक्ष है, 9 स्टेट में राज कर रहे, ऐसी पार्टी के ऊपर ऐसा आरोप करना, हम लोग आतंकवादियों को प्रोत्साहन कर रहे ऐसा आरोप करना, इन्होंने ऐसे आरोप किया है। प्रधानमंत्री क्यों चुप है, सोनिया जी क्यों चुप है, कांग्रेस पार्टी कौन चुप है, क्यों चुप है, इसका समाधान कांग्रेस पार्टी को देना पड़ेगा। हिंदू का शब्द इन्होंने, हिंदू शब्द का अपप्रयोग अपमान किया है। हिंदू कोई मजहब का विषय नहीं है, हिंदू इस देश में, इस देश का एक आस्था का विषय है और भारतीय संस्कृति है। हिंदू इज नॉट ए कैस्ट, हिंदू इज नॉट ए रिलीजियन, हिंदू इज अ वे ऑफ लाइफ, इज द कल्चर आइडेंटिटी ऑफ दिस नेशन। आदिकाल से, वेद काल से, पुण्य काल से, पौराणिक काल से हमारा जो पूर्वजों ने जो किया और दिया, वो हमको और विरासत में दिया, वही हिंदुत्व है। इसलिए देश का आप देखते होंगे हिंदू शब्द, इस देश का नाम हिंदुस्तान वाजपेयी जी ने नहीं दिया, अडवाणी जी ने नहीं दिया, राजनाथ सिंह जी ने नहीं दिया। इस देश में हिंदुस्तान टाइम्स का अखबार है, वो क्या मजहब के आधार पर चलने वाला अखबार है क्या? इस देश में हिंदू अखबार है, क्या मजहब के आधार पर हिंदू चलते है क्या? इस देश में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, HAL कंपनी। इस देश में हिंदुस्तान शिपयार्ड है, अगस्त 15 को, जनवरी 26 को, 26 जनवरी को झंडा फहराने के बाद सब लोग कहते हैं जय हिंद, इसका अर्थ यह है क्या हिंदुओं को जय, मुसलमानों को नहीं, ऐसा है क्या? एक गृह मंत्री इन्होंने इसलिए ऐसा वक्तव्य दिया है, आपत्तिजनक है, देश का और हिंदुस्तान का, हिंदुओं का अपमान करने वाले बयान है, इसलिए हम आपत्ति व्यक्त कर रहे। जब तक गृह मंत्री इस बयान को वापस नहीं करेंगे, माफी नहीं मांगेंगे, नहीं तो प्रधानमंत्री को बर्खास्त नहीं करेंगे, इनको पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर हम विरोध करते रहेंगे हमेशा, इस विषय के बारे में देशवासियों को जागरूक करते रहेंगे। इसी कारण से आज दिल्ली भारतीय जनता पार्टी का इस विशाल प्रदर्शन में देखा हूं, यहां से अंत तक लोग आए हैं, काफी आक्रोश है लोगों में, नाराज है, ऐसी वक्तव्य दिया और प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी चुप बैठे। मैं दिल्ली प्रदेश इकाई को, विजय गोयल जी को और सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देना चाहता हूँ, अभिनंदन देना चाहता हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय।